दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घूम क्यों रहा हूँ यार। कल से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि कल एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट किया गया है, जिसमें कि अगर अब कोई भी सोशल मीडिया पर पेड प्रमोशन करता है और उसको शो नहीं करता अपने वीडियो में, तो आपको भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 लाख से लेकर 20 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये यूट्यूबर के ऊपर भी लागू होता है। तो दोस्तों इसको लेकर मेरे पास इंस्टाग्राम पर जो यूट्यूबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीएम करने लगे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, हम इस जुर्माने से कैसे बच सकते हैं, कहीं हमारे ऊपर भी ये जुर्माना न लग जाए। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और अच्छे से समझाइए कि हमको यूट्यूब पर क्या ऐसी सेटिंग करनी होगी जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम इन द फ्यूचर में ना हो। तो वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो यार जल्दी से लाइक कर दो। एंड लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स, पहली बार मैंने एम रखा है 500 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ यार, प्लीज चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है वहां पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप ही को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कल बहुत सारे यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया जिसमें कि बताया गया है कि अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है पेड प्रमोशन को लेकर। कोई भी बंदा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड प्रमोशन करता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल बंदा हो, अगर वो पेड प्रमोशन को शो नहीं करता है कि उसने उस ब्रांड से या उस कंपनी से पैसे लेकर इस वीडियो में जो है पेड प्रमोशन किया है, अगर वो शो नहीं करता है तो इस पर जो है भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 10 लाख से लेकर 20 लाख का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। इसको लेकर दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी, और हमने भी टेक्नो गुरुदेव चैनल पर कल ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने सारी चीजें बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप क्लिक कर देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर साथ ही में उस वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने डीएम करना शुरू कर दिया और कमेंट करना शुरू कर दिया कि सर ये जो नया अपडेट आया है इससे हम कैसे बचेंगे, मतलब अगर हमने कोई पेड प्रमोशन पहले का किया है और उसमें हमने शो नहीं किया है तो अब हम उसमें क्या ऐसी सेटिंग करेंगे कि हम इस नए जुर्माने से बच सकें, और अगर हम इन द फ्यूचर में कोई पेड प्रमोशन करते हैं तो हमको क्या ऐसी यूट्यूब पर सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि हम पर ये जुर्माना न लग सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 लाख और 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन ये जुर्माना आप जो एक छोटी सी गलती कर अपने ऊपर लगवा सकते हैं और छोटी सी चीज़ों को सुधार कर आप इस जुर्माने से बच सकते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और मैं आपको वो सेटिंग भी अपने लैपटॉप पर ले चलकर लाइव दिखाऊंगा कि आप कौन सी ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे कि इन द फ्यूचर में आप पर ये जो पेड प्रमोशन का जुर्माना है वो न लग सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये नया नियम लागू क्यों किया जा रहा है और इससे किसको क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों ये नया नियम नहीं है, ये बहुत पहले से ही नियम लागू हुआ है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे और उसी को लेकर अब गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हो गई है। अगर आप अब जो है इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, इसमें जो है कंपनियों की एक प्रकार से मान हानि हो रही थी। कंपनियाँ जो है क्रिएटर को जो है अपना पेड प्रमोशन कराने के लिए पैसे भी देती थी, लेकिन वो लोग जो है बताते नहीं थे, जिससे कि जो व्यूवर्स थे, जो वीडियो देखने वाले लोग होते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके और कंपनियों के बीच में क्या इंटीग्रेशन हुआ है। इस वजह से दोस्तों इस नियम को जो है सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब इससे जो है कंपनियों को भी मतलब कि पता चलेगा कि ये पेड प्रमोशन कर रहा है बंदा, और इससे जो है देखने वालों को भी पता चलेगा और पारदर्शिता जो है बनी रहेगी। इसी को लेकर ये नया नियम लागू किया गया था, और अब जो है इस पर गवर्नमेंट भी काफ़ी सख्त हो गई है और यूट्यूब की भी इस पर अपनी अलग तरह की पॉलिसी है। यूट्यूब पर भी अगर आप कोई कंटेंट पेड प्रमोशन करते हैं तो आपको चेक करना होता है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपको इससे कैसे बचना है। अगर आपने पहले कोई वीडियो अपलोड कर रखा है तो आपको उस वीडियो को एडिट करना है। अगर पेड प्रमोशन किया है लेकिन उसमें आपने शो नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो एडिट करके तो आप उस पर बैज नहीं लगा सकते, लेकिन YouTube में एक फीचर दिया गया दोस्तों कि जहां पर आप अपने वीडियो को ओपन कर एडिट में जाएंगे वहां पर दोस्तों आपको नीचे जो है पेड प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर एक बॉक्स रहेगा छोटा सा, वहां पर चेक कर देंगे, अगर आपने वीडियो में पेड प्रमोशन किया है तो ही आपको ये सेटिंग करनी है। अगर आपने वैसे ही अपना प्रोडक्ट जो है बाई करके उसको प्रमोशन किया है,
प्रमोट किया। प्रमोशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है या आप उससे पैसे लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं तभी आप प्रमोट करते हैं उसको। तो यही बात है दोस्तों कि अगर आपको किसी कंपनी ने हायर किया है और प्रमोशन करवाने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट या कुछ पैसे दिए थे तो आपको इंक्लूड्स पेड प्रमोशन जो है बैज लगाना ही होगा, वरना जो है आपको पेनाल्टी लग सकती है। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है दोस्तों पहले की वीडियो में तो आप वीडियो को एडिट करके वहां पर जाकर पेड प्रमोशन में चेक कर दीजिएगा, आपके वीडियो पर YouTube जो है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन शो करने लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि अब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो वीडियो अपलोड करते समय ही आप वीडियो के नीचे जाएंगे, अपलोड करते समय ही YT स्टूडियो को अगर आप ब्राउजर में ओपन करेंगे तो वीडियो अपलोड करते समय ही आप नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको इंक्लूड पेड प्रमोशन या पेड प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको चेक कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है पेड प्रमोशन अप्लाइड हो जाएगी और आप यूट्यूब के सारे रूल को फॉलो करेंगे जो कि पेड प्रमोशन कंटेंट पर अप्लाई होता है। उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो यूट्यूब हो या इंडियन गवर्नमेंट हो। तो दोस्तों ये छोटी सी यूट्यूब में सेटिंग कर आप इतने बड़े पेनाल्टी से बच सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिर भी नियम को तोड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम 10 लाख का जुर्माना है, सेकेंड टाइम पकड़े जाने पर 20 लाख का जुर्माना है। और ये आप कहां से लाएंगे उसके बाद आपको सोचना है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे कैसे बच सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पर कोई प्रमोशन करते हैं तो वहां पर भी जो है आपको पेड प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है, उसको भी आपको इनेबल करना है। फेसबुक पर करते हैं तो वहां पर भी पेज में जो है आपको वीडियो अपलोड करते समय इंक्लूड पेड प्रमोशन का ऑप्शन रहता है, उसको चेक कर देना है। अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं तभी करना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस बिंदास होकर काम करना है, ठीक है। तो सारी चीजें यही थी, कंफ्यूजन यही था लोगों का, मैंने क्लियर कर दिया। अब भी आपका कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। एंड दोस्तों टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।